अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, अज असीं इत्थे बहुत मसरूफ दिन गुजारिया टिल्ला शरीफ मेले दे विच, सानू बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलिया कि असीं किसी दे नाल कोई गल कर सकते, लेकिन भाई ने सानू पिछले साल भी कहा सी ते कोशिश असीं बड़ी कीती, लेकिन मसरूफियत इत्थे इन्नी ज़्यादा हुंदी है कि असीं पिछले दफ़ा इहदी गल नहीं सी पूरी कर सके, तो इस दफ़ा इन्हें फिर सानू कहा तो मैनू बिल्कुल अच्छा नहीं लग्या कि असीं इहदी गल ना पूरी कर सकीए। तो भाईजान तुसीं जिहड़ा हुण जो तुसीं किस कहना चाहते हो ना वो तुहानूं खुली ज़्यादा तुसीं कह सकते हो जी। अस्सलाम वालेकुम, तो आपसे ना जब मैं आया था उर्स पे रास्ते में बेरा पे हमने कुछ भी नहीं रुका था, तो यार कोई बात नहीं तो हमने बेरा पे हमने कुछ नहीं रुका, सीधा हम जा रहे थे तो बादल बहुत मौसम चेंज हो रहा था, वो ठंडा ठंडा मौसम हो गया था, तो जब बाबा जी आए थे वहाँ पे, तो जब बाबा जी दाखिल हुए इस मेन वहाँ पे दरबार के अंदर, तो वहाँ पे अचानक ना बादल बन गया और तूफान के ज़रिए ना बारिश हो, तूफान के ज़रिए हवा आने लग गई, तो इसी तरह ना जब वो बाबा जी ने फिर दुआ करवाया, तो दुआ करने के बाद ना उन्होंने कहा था अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को जुल्म मत करने दो, किसी बीमारी मुसीबत काला पीला यरकान ये इस फैज़ आलम है। तो सात दिन आपने सूरह रहमान सुननी है आंखें बंद करके, सात दिन बिला नागा, सात दिन आपने सूरह रहमान सुननी है कारी अब्दुल बासित की मिसरी किरात की बगैर तर्जमे के, बस थैंक यू। चलो बहुत शुक्रिया। अच्छा आज आपको इधर आके कैसा लग रहा है, आपको गर्मी गुर्मी तो नहीं ज़्यादा लगी? नहीं, इधर ठंडा मौसम था तो मज़ा आया वैसे मोरस करने का। सही। अच्छा जी, एस भाई दी वीडियो साढ़े एक चैनल दे उते पहले भी पई है, और इन्हों बहुत ज़्यादा पहले प्रॉब्लम सी बोलन दे विच, थोड़ा जहा इन्हों की मैंटल हैल्थ की भी प्रॉब्लम सी, लेकिन इन्होंने भी दुआ की, तो तुम वह एक रिजल्ट अज अपने सामने देख रहे हो। ये जो तो लास्ट टाइम आए थे उदों भी इन्होंने साढ़े काफ़ी ज़्यादा गल्ला की, तो इस दफा तो बहुत ही सारू गल्ला की, बल्कि खाली गल्ला नहीं की सानू भी गल्ला की, तो ये बड़ी तेज़ी के नाल इंप्रूव कर रहे ने। एक मैं समझदा वा कि एक बड़ा एक मौजज़ा है साढ़े सामने, असं इन्हू देख सकते हैं कि बंदा इंप्रूव हो रहा पहले तो ज़्यादा। तुम साढ़ा इस तो दो तीन साल पहले का जो इंटरव्यू वो देखो, तो इन्हें अज की गल सुनो। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਉਦਗਾ ਸਕਣਾ ਵਾਂ, ਅੰਮੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾਂ। ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਮੈਂ। ਕੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ? ਜਿਕਨ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਕਨ ਕੁਛ ਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਵੰਡਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪੀ ਬਸ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।